अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो लोग कारोबार कर रहे हैं और जिन लोगों का नया सेटअप है या एवरेज तकरीबन उनको 6 महीने साल हो चुका है और अपने बिज़नेस को वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से वो कर नहीं पा रहे हैं और पैसे लगाते हुए डरते हैं मार्केटिंग पे कि यार नुकसान ना हो जाए, पता नहीं रिस्पांस मिले या ना मिले। जाहिर सी बात है, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें 100% तो नहीं होता कि हम यहाँ से हम प्लस में जाएंगे या लॉस में जाएंगे या नो प्रॉफिट नो लॉस पर जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आप लोगों को करना चाहिए कि मंथली बेसिस में थोड़ा स्लो स्लो करके चलें। ऐसे लाजमी नहीं है कि आपने आज ही पैसा लगाया है, इस मंथ आपने पैसा लगाया और बस अगले महीने से आपका बिज़नेस आसमान हो गया होगा। आप मल्टीपल मार्केटिंग के जो तरीके हैं ना, वो आप टेस्ट करें अपने तौर पे। लाइक आपने, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, SMS मार्केटिंग पहले चलती थी तो आपने क्या किया, आपने SMS मार्केटिंग कर ली। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी इसको आप अपने तरीके से अपने हिसाब से आप इसको फिट कर लें जहाँ पर ये बातें फिट हो रही हैं। आपने एक मंथ जो है ना, आपने SMS मार्केटिंग करी, अगले महीने आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उसके बाद आपने एक मंथ आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग करवा ली, फेसबुक मार्केटिंग करवा ली, आपने यूट्यूब पे एड्स लगा लिए, आपने गूगल पे एड्स एडवर्टाइजमेंट दे दी, ईमेल मार्केटिंग आपने करवा ली, और अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप करवा लें। तो ये तकरीबन 5 से 6 महीने का पीरियड है, इसके अंदर आप जितने भी मार्केटिंग रिसोर्स हैं वो सब आप टेस्ट करें और फिर आप ये चेक करें यार आपको रिस्पॉन्स कहाँ से मिल रहा है। हो सकता है कि आपको किसी 2 चीज़ों से, ये 6-7 चीज़ों के मैंने नाम लिए, इन सब में से आपको 2 या 3 चीज़ों से रिस्पांस मिले आपको, फिर आप उन 2-3 चीज़ों को आप साथ साथ चलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यूट्यूब मार्केटिंग से रिस्पांस मिला तो आप यूट्यूब मार्केटिंग करें, और कुछ रिस्पांस अगर आपको ईमेल मार्केटिंग से मिला तो आप साथ साथ ईमेल मार्केटिंग भी आप चलाते रहें। लेकिन ईमेल मार्केटिंग के ऊपर आप नया डेटा भी टेस्ट करें, नया डेटा से मुराद ये डिफरेंट कंपनीज से करवाएं, किसी एक कंपनी से नहीं करवाएं। एक कंपनी से आप जब तक करवाएं जब तक आपको रिस्पांस मिले, जब आपको देखें आप बस यार इसका डेटा आपने सारा यूज़ कर लिया, तब आप दूसरी किसी कंपनी की तरफ चले जाएं, उसका आप डेटा यूज़ करें। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ जो है ना, वो आपका ईमेल मार्केटिंग के जो डेटा है उसके ऊपर बेस करता है। इसी तरीके से फिर आपका व्हाट्सअप मार्केटिंग है, कभी व्हाट्सअप मार्केटिंग करवा लें, कभी कुछ करवा लें, कभी कुछ करवा लें, और हर महीने अपना एक अमाउंट ऐसा रखें डिफरेंट टेस्टिंग्स के ऊपर। लाइक आज से कोई तकरीबन आप रख लें 6 महीने पहले साल पहले तो मैं हर महीने 10,000 रुपये निकालता था अपनी टेस्टिंग के ऊपर। समटाइम ऐसे तो 3-4 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं आता था, लेकिन अब 3-4 महीने अगर हम कैलकुलेट करें 30,000-40,000 रुपये लगा दिए हमने टेस्टिंग पे, सिर्फ टेस्टिंग पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, नए एक्सपेरिमेंट्स पे। और इसके अंदर मार्केटिंग भी शामिल होती है और डिफरेंट समझ लें कोई बिज़नेस के हवाले से, छोटे मोटे एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से इस तरीके से हम इसको टेस्ट करते थे। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक चीज़ भी हमारी हिट होती थी तो वो एक नया बिज़नेस भी हमारा स्टेबल हो जाता था, और ये कि जो हमारे पैसे होते थे वो भी बाहर हो जाते थे। प्लस ये कि इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इतनी सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती थी कि कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ला के रखे, कुछ कोई बिज़नेस प्लान ला के रखे, खाली वो ला के रखता है, वो अगर तस्वीर भी दिखा देना किसी चीज़ की तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख कर बता देंगे यार ये चीज़ आपकी चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सब चीज़ें जब ही सीखने को मिली जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च करी, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये कीवर्ड बता दें, उससे खाली आप कीवर्ड बताएंगे, इंडस्ट्री के नाम बताएंगे, हमारे इधर ने वैसे ही हज़ारों की तादाद में उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ देंगे, कौन सी टारगेट मार्केट है, कितना उसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा, उसका बिज़नेस स्टेबल होने में कितना टाइम लेगा, वो कौन सी मार्केट में कितना टाइम लेगा, US मार्केट में ज़्यादा टाइम लेगा, UK मार्केट में ज़्यादा टाइम लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये सब कुछ जो कुछ सीखा है ना, अपने पैसे खर्च करके सीखा है, अपने पैसे खर्च किए और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, दैन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम बताएँ, किसी भी चीज़ का नाम बताएँ तो हम आपको बता सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस था कि आप अपनी बिज़नेस के ऊपर डिफरेंट तरह की टेस्टिंग्स करें, मार्केटिंग पे उसकी पैसे लगाएं, हर मंथली आप कुछ ना कुछ पैसे निकालें और पैसे लगाएं उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह ये कि आपको वहाँ से रिस्पांस मिलेंगे ना, रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा, 3-4 महीने हो सकता है लग जाएं, लेकिन 3-5 महीने बाद आपको बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको। थैंक यू।